हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। ये चने की दाल और काली मसूर की खिचड़ी है। खिचड़ी तो बहुत तरह की होती है, पर आज मैं इस तरह की खिचड़ी बना रही हूँ दाल की। इसमें 1 कटोरी चने की दाल है और आधी कटोरी काली मसूर की दाल, जो मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है। वहीं साथ में ही मैंने चावल भी अच्छे से धो के भिगो दिए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। कुकर गरम करने रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल, करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल जाएगा इसमें। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा और प्याज। अच्छे से भून लेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी अदरक जो मैंने कद्दूकस किया हुआ है। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। इसको प्याज को ब्राउन होने तक हम यूं ही भूनते रहेंगे। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। इसको भी चलाते रहेंगे, भून करेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी। इसको सबको मिला के चलाते रहेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल। जैसे चलाएंगे दाल में हमें 2 सीटी देनी है पहले, चावल डालने से पहले। हम ढक्कन निकाल के देखेंगे इसका। हमारी दाल 2 सीटी दिया मैंने इसमें। अभी आधी पकी है ये हमारी दाल, आधी कच्ची है आधी पकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। और 1 नींबू का रस डालना है इसमें, कसूरी मेथी, थोड़ा हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा बचा दिया मैंने हरा धनिया, ये मैं बाद में डालूंगी। इसको मिलाएंगे। अब ये चावल के साथ पकेगी दाल। इसका ढक्कन लगा देंगे हम। इसको 2 सीटी और लगानी है। तो हमारी खिचड़ी बन चुकी है, मैं ढक्कन निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है मज़ेदार। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक थाली पे। देखिए लग रही है ना मज़ेदार खिचड़ी हमारी। इस तरह से बना के खाइए आप, तो आपके बच्चे भी अच्छे से खाएंगे। ये आप चटनी के साथ खा सकते हैं या दही के साथ खा सकते हैं। इसके साथ सैलेड भी लीजिए। लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी स्वादिष्ट खिचड़ी। इसका मज़ा उठाइए। देखने के लिए थैंक यू।